हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का बीएससी एंड बीकॉम फोर सेम का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल? सो आंसर इज ऑप्शन ए, वे ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इफेक्ट्स लाइफ स्टाइल? लाइफ स्टाइल को क्या इफेक्ट करता है? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। हेल्थ, नॉलेज एंड एम ऑफ लाइफ, ये सभी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ योगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओल्ड। हु वॉज महर्षि पतंजलि? हु वॉज महर्षि पतंजलि? सो आंसर इज ऑप्शन सी, योगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द नेम ऑफ एट लिम्ब्ड योगा? आठ अंगों वाले योग का नाम क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज एरोबिक्स? आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सरसाइज विद म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। ये सभी एंटरटेनमेंट के टाइप्स हैं, रूरल एंटरटेनमेंट, अर्बन, वॉचिंग मूवीज, ये सभी एंटरटेनमेंट के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच इज स्कोप ऑफ योगा? आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सरसाइज मेथड। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हेन वाज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म्ड? आंसर इज ऑप्शन सी, 1950। क्वेश्चन नंबर टेन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फिटनेस? आंसर इज ऑप्शन डी, कल्चरल। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच इज फैक्टर ऑफ फिटनेस? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। स्पीड, पावर, टॉलरेंस, ये सभी फिटनेस के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हु इज फैट? मोटा कौन है? आंसर इज ऑप्शन सी, 35% ओवर वेट। वो पर्सन जिसका वेट 35% से ज़्यादा हो, मतलब 35% ओवर वेट हो, उसे बोलते हैं फैट। वो फैट की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बाद है क्वेश्चन नंबर थर्टीन, हु सेड दैट योगा इज रेस्ट्रेन द इंस्टिंक्ट्स ऑफ द माइंड? आंसर इज महर्षि पतंजलि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच योगा गिव्स इंपोर्टेंस टू नॉलेज? आंसर इज ऑप्शन डी, ज्ञान योग। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, विच योगा गिव्स इंपोर्टेंस ऑफ कर्म? आंसर इज कर्म योग। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, इन विच योगा आसन्स आर डन? क्वेश्चन नंबर बी, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, इन विच योगा प्राणायाम आर डन? आंसर इज ऑप्शन डी, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर एटीन, विच योगा गिव्स इंपोर्टेंस टू भक्ति? आंसर इज ऑप्शन सी, भक्ति योग। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, प्रातिहार इज नॉट डन विच योगा? प्रातिहार किस योग में नहीं किया जाता? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, इन सभी में प्रातिहार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, मेडिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच योगा? आंसर इज ऑप्शन बी, अष्टांग योगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन, विच इज टाइप ऑफ फिटनेस? कौन सा दक्षता का प्रकार है? आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये दोनों फिटनेस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज फिजिकल डेवलपमेंट? आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सरसाइज, योगासन, पीटी, ये सभी करने से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फिटनेस? फिटनेस का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है फिटनेस का? आंसर इज ऑप्शन सी, माइंड। माइंड फिटनेस का फैक्टर नहीं है, और पावर, स्पीड एंड टॉलरेंस, ये सभी फिटनेस के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ कॉल्ड मक्का एंड मदीना ऑफ फिजिकल एजुकेशन? आंसर इज LNIPE ग्वालियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू? आंसर इज ऑप्शन ए, योगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ टाइप ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा विकास का प्रकार है? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सभी डेवलपमेंट के टाइप्स हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल।
क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट रिलेटेड टू, आंसर इज ऑप्शन बी अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट विल यू डू टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी, हमें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए क्या करना चाहिए, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल योगासन एक्सरसाइज पीटी, हमें यह सभी करना चाहिए अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट वुड यू डू टू रिलीव एंजाइटी, चिंता दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, योगा, चिंता दूर करने के लिए योगा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट वुड यू डू टू रिलीव स्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, मेडिटेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 पूरक कुंभक एंड रेचक आर रिलेटेड टू, आंसर इज ऑप्शन ए प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज ब्रीथिंग इन प्राणायाम कॉल्ड, प्राणायाम में अंदर श्वास भरना क्या कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन बी पूरक। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ ब्रेथ इन प्राणायाम कॉल्ड, आंसर इज ऑप्शन डी कुंभक। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज एक्सहेलेशन इन प्राणायाम कॉल्ड, आंसर इज ऑप्शन सी रेचक। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थके हुए होते हैं तो आप क्या करते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 व्हेन टू डू योगा आसन्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। क्वेश्चन नंबर 37 व्हेन टू डू वज्रासन, वज्रासन कब करना चाहिए, ऑप्शन बी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज वज्रासन रिलेटेड टू, वज्रासन किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से रिलेटेड है वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम विच रूट डिड द वर्ड योगा ओरिजिनेट, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, आंसर इज ऑप्शन डी यूज। क्वेश्चन नंबर 40 समात्वा योगा उच्यते इज रिलेटेड टू, आंसर इज ऑप्शन ए गीता। क्वेश्चन नंबर 41 कर्मासु कौशलम योगा इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन सी ये भी गीता से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 इन विच सब्जेक्ट आर यू गिविंग द एग्जाम, आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन ए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन डी कोकुरिकुलर, ये सब्जेक्ट आपका जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये कोकुरिकुलर सब्जेक्ट है, BA, BSc एंड BCom तीनों ही कोर्सेज का। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज इट कॉल्ड टू लिव हैप्पीली इन अ सिचुएशन, आंसर इज ऑप्शन बी आसन्स। क्वेश्चन नंबर 45 आफ्टर व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सेस वेट अ पर्सन बिकम्स फैट, आंसर इज ऑप्शन ए 25%। क्वेश्चन नंबर 46 यम नियम एंड आसन आर पार्ट्स ऑफ, यम नियम आसन किसके पार्ट्स हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट अष्टांग योग, ये तीनों ही अष्टांग योग के पार्ट हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आत्मा ध्यान समाधि, ये आठ पार्ट हैं अष्टांग योग के, तो इनमें से तीन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सो आंसर इज ऑप्शन ए अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 47 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी अस्त्य। क्वेश्चन नंबर 48 व्हेन टू डू आसन, आसन कब करना चाहिए, आंसर इज ऑप्शन ए मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम में आसन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 हुज एक्सरसाइज इज प्राणायाम, आंसर इज ऑप्शन ए ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 50 अनुलोम विलोम प्राणायाम इज डन बाय वॉर्म, अनुलोम विलोम प्राणायाम किसके द्वारा किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन डी फिंगर्स एंड नोज। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज इंक्रीज्ड बाय भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से क्या बढ़ता है, आंसर इज ऑप्शन डी ब्लड। क्वेश्चन नंबर 52 व्हेन वाज द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड, आंसर इज ऑप्शन बी 1954। क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन वाज द एडहॉक इंक्वायरी कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर्म्ड, आंसर इज ऑप्शन डी 1958। क्वेश्चन नंबर 54 व्हेन वाज द कॉल कपूर कमेटी फॉर्म्ड, आंसर इज ऑप्शन ए 1960।
क्वेश्चन नंबर 55 व्हेन वाज द कुंजरू कमेटी फॉर्म्ड आंसर इज ऑप्शन सी 1959 क्वेश्चन नंबर 56 व्हेन वाज द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन गवारी एस्टैब्लिश्ड आंसर इज ऑप्शन ए 1957 क्वेश्चन नंबर 57 व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड आंसर इज ऑप्शन बी 1984 क्वेश्चन नंबर 58 लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर इज इन विच स्टेट आंसर इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है आंसर इज ऑप्शन ए एजुकेशन बाय फिजिकल शारीरिक द्वारा शिक्षा क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन डी ऑलराउंड डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन हो गया इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन ए फिजिकल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट इज मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन डी एक्सरसाइज इज फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज नो मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन ए योगासन इज फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन ए मेंटल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट इज मीनिंग ऑफ योगा आंसर इज ऑप्शन बी ऐड जोड़ना क्वेश्चन नंबर 67 व्हिच इज टाइप ऑफ योगा कौन सा योग का प्रकार है आंसर इज ऑप्शन डी ऑल कर्मयोग ज्ञान योग राजयोग ये सभी योग के टाइप्स हैं क्वेश्चन नंबर 68 विच इज नो टाइप ऑफ योग इनमें से कौन सा योग का टाइप नहीं है आंसर इज ऑप्शन सी नल योग ये कोई सा भी योग नहीं है ये योग का टाइप नहीं है जबकि राजयोग कर्मयोग भक्ति योग ये सभी योग के टाइप हैं क्वेश्चन नंबर 69 विच इज पार्ट ऑफ अष्टांग योग आंसर इज ऑप्शन डी ऑल क्वेश्चन नंबर 70 विच इज फिफ्थ पार्ट ऑफ अष्टांग योग आंसर इज प्रातिहार क्वेश्चन नंबर 71 हु वॉज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योग आंसर इज ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि क्वेश्चन नंबर 72 हु इज स्वामी रामदेव कौन थे आंसर इज कौन हैं हु इज स्वामी रामदेव कौन है आंसर इज ऑप्शन बी योगा गुरु क्वेश्चन नंबर 73 विच इज टाइप ऑफ प्राणायाम आंसर इज ऑप्शन ए अनुलोम विलोम प्राणायाम क्वेश्चन नंबर 74 विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन ए फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 75 इन विच कंट्री योगा ओरिजिनेटेड आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है इंडिया में भारत में क्वेश्चन नंबर 76 व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु डज योगा वो व्यक्ति जो योगा करता है आप उसे क्या कहेंगे आंसर इज ऑप्शन डी योगी क्वेश्चन नंबर 77 योग चित्रा वृत्ति निरोधन व्हाट इज इट आंसर इज ऑप्शन ए डेफिनेशन ऑफ योगा क्वेश्चन नंबर 78 व्हाट इज द यूनियन ऑफ द सोल विद गॉड कॉल्ड आंसर इज ऑप्शन सी योगा क्वेश्चन नंबर 79 व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओबेसिटी आंसर इज ऑप्शन बी गेनिंग वेट मोटापा किसे कहते हैं वजन के बढ़ने को क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट आंसर इज ऑप्शन ए डिलाइट द माइंड मन को आनंदित करना क्वेश्चन नंबर 81 व्हाट इज नेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आंसर इज ऑप्शन डी 21 जून क्वेश्चन नंबर 82 व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PET आंसर इज ऑप्शन बी फिजिकल एजुकेशन टीचर PET का फुल फॉर्म है फिजिकल एजुकेशन टीचर क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PT आंसर इज ऑप्शन ए फिजिकल ट्रेनिंग क्वेश्चन नंबर 84 विच एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल ओबेसिटी आंसर इज ऑप्शन सी फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ये सभी फिजिकल एजुकेशन की नीड है मॉडर्न सोसाइटी में क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन आंसर इज ऑप्शन डी ऑल क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इज नॉट द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन
आंसर इज ऑप्शन डी इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आंसर इज ऑप्शन ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट हैपन्स इन फिजिकल एजुकेशन। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद एजुकेशन। आंसर इज ऑप्शन सी इंटीग्रल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। आंसर इज ऑप्शन ए ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डज नॉट कॉज ओबेसिटी। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट डज नॉट गेट फैट। आंसर इज ऑप्शन बी योगी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट वुड यू डू टू मैनेज ओबेसिटी। मोटापे को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, टेकिंग लिक्विड, ये सभी आपको करना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आंसर इज ऑप्शन सी ओबेसिटी। क्वेश्चन नंबर 98, हाई ब्लड प्रेशर इज अ सिम्टम ऑफ। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, ये हाई ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों का सिम्टम है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ ओबेसिटी। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट डज नॉट हैपन टू दोज हु एक्सरसाइज डेली। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल, फीवर, ओबेसिटी, कैंसर। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। तो इसी के साथ आज हमने डिस्कस किया है BSc एंड BCom 4th SEM का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का को करिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। जो बच्चे इस ईयर में BCom या BSc का 4th SEM का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।